हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने सारे एंट्रीज जो मेरे लास्ट लेक्चर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमने एंट्रीज पढ़ी थी, मैंने आपको जो समझाया था वो आपने बाहर कर लिया होगा, लिख दिया होगा अपने बुक में, उसका प्रैक्टिस किया होगा और आपने बाहर भी किया होगा, राइट? नहीं किया है तो प्लीज उसे बाहर करो, क्योंकि बिकॉज उसी पे डिपेंड है हमारे आगे की प्रॉब्लम्स जो भी आने वाले हैं। ओके, जो नहीं बाहर नहीं होगी तो यू कांट सॉल्व दी प्रॉब्लम्स डिपेंड ऑन दिस चैप्टर। ओके, सो इसीलिए उसको बाहर करो ताकि हम प्रॉब्लम जो है इजीली सॉल्व कर सके। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि वो लीगल ड्यू डेट कैसे फाइंड करना है। ड्यू डेट डे अपना जो बिल बनाते हैं दो महीने का, तीन महीने का, तीन महीने के बाद तक डेट कौन सा होगा और फाइन कैसे करते हैं वो अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आपके पास आपका बुक का पीडीएफ होगा ही। ओके, तो उस बुक के पीडीएफ में आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, बुक में दिए हैं, पेज नंबर 305 है। प्रिंट बिल मारा होगा तो ठीक है, नहीं मारा होगा तो पीडीएफ निकाल दो, क्वेश्चन कॉपी कर लो। ओके, तो उसमें देखो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो इसी को हम फॉलो करते हैं, मतलब प्रैक्टिस भी हो जाएगा और हमें सब भी सॉल्व हो जाएंगे। तो पेज नंबर दिया है बुक में 305। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में जे है, जे जे में 1-2 है। अच्छा, जे दिया है, जे मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का होगा जो भी रहेगा वो। ओके, जे दिया है, पीछे का मेरे पास पेज नहीं है तो जे लिखता हूं यहां पे। जे में बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ओके, तो उसने आपको कॉलम्स दिए हैं। चलो कॉलम्स नहीं करते, अब वन डाउन सम्स करेंगे। फर्स्ट उसमें है डेट ऑफ ड्रॉइंग, मतलब बिल कब बनाया, दैट इज 30th जनवरी 2019। फिर आपको दिया होगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 1-2-2019। पेबल कब पेमेंट करना है इसका, 60 डेज आफ्टर डेट। तो बताओ ड्यू डेट क्या होगा। देखो ये जो 60 डेज आफ्टर डेट दिखाइए, आफ्टर डेट और एक होता है आफ्टर साइट, मतलब कभी कभी ऐसा अपना लाइब्रेरी अपने लाइब्रेरी करते ना, आपको लाइब्रेरी में जो डेट मेंशन करते हैं वो उनका फाइनल डेट राइट ना, कुछ सालों पहले, मतलब अभी तो जो आता ही निकलेगी, देखो कुछ सालों पहले ऐसा होता था कि उस लाइब्रेरी के ऊपर जो डेट लिखा होता था, सपोज पेबल है ऑन 10th ऑफ फेब्रुअरी, तो किसी किसी को जो बिल मिलता था वो 9 फेब्रुअरी को मिलता था या 10 फेब्रुअरी को मिलता था या कभी कभी तो 10 फेब्रुअरी के बाद ही मिलता था। तो लोगों को फाइन दिया गया था उनकी अगेंस्ट, बहुत लोगों ने कंप्लेन की और इसीलिए ये जो बिल है वो एक तो आपको अगर आपने रजिस्टर में रखा है वहां पे तो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो भी ऐप है उस पर अगर आपने लेके रखा है, उसमें रजिस्टर ले रखा है तो आपको तुरंत मैसेज आता है, या फिर पेटीएम से बिल पे करते हो तो पेटीएम पर आपको याद दिलाता है राइट ना। उसके बाद अभी फिलहाल तो चलो ये जो हार्ड कॉपी है बिल का, वो भी बिल का कॉपी आपको 5-6 दिन पहले मिल जाता है, पहले ऐसे नहीं था। 5-6 दिन पहले मिल जाने के बाद लोग प्रिपेयर रहते हैं, चलो हमारा बिल आ गया है, मैं 1000 रुपए बिल है तो हमें 1000 रुपए जमा के रखना है, तो ऑन द स्पॉट बिल आ गया तो कैसे चुका है ना। तो यहाँ पर आफ्टर डेट और आफ्टर साइट क्या होता है, आफ्टर डेट मतलब उस अभी ऐसे हमने बताया एग्जाम्पल की लाइब्रेरी के ऊपर डेट लिखा हुआ है 10 सितंबर, उस डेट से आपको बिल भरना है। तो यहाँ पर बिल ऐसे होता है, बिल में एक बिल बनाया आज 1 जनवरी को, ओके, 2 महीने का पीरियड दिया हुआ है, तो वो क्या काउंटिंग कहां से होगा 2 महीने का, 1 जनवरी से होगा। ओके, मतलब सामने वाले को बिल कब मिला
इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। हम खाली इतना ही देखेंगे कि हमने बिल कब बनाया, ओके। फ्रॉम दैट डेट हम ड्यू डेट काउंट करेंगे, ओके। एंड फ्रॉम साइट मतलब क्या, जो ड्रॉवी है वो ये कहता है कि जब मैं बिल देखूंगा उसके बाद तो मैं, मतलब ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया 1 जनवरी को, लेकिन उस ड्रॉवी को बिल मिला है 10 जनवरी को। सर ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो सामने सामने है। कभी कभी ड्रॉवर और ड्रॉवी सामने सामने नहीं होते, ओके। कुछ दूरी दूरी पे होते हैं, समझो एक मुंबई में है, दूसरा गुजरात में है, ओके, कोई बड़ौदा में है, उसको माल सेंड किया है, फोन पे रिलिंग चल रहा है, पहले ही मतलब पहला ट्रांजेक्शन जो होता है वो खुद जाना पड़ता है। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी सेलर हो, कोई भी बायर हो, उनको अगर गुड्स परचेस कर रहे तो ऑनली फर्स्ट टाइम जाना पड़ता है। एक बार जाने के बाद, वो जान पहचान होने के बाद अभी ऐसे फोन कर दो वो आपको गुड्स भेज देते हैं, ओके। उसका कोई टेंशन नहीं होता, तो ये थोड़ी दूरी पे है। उसने जो बिल बनाया एक तारीख को, लेकिन वो बिल ड्रॉवी तक पहुंचते पहुंचते 10 दिन हो गए, ओके। मतलब 2 महीने में, मतलब 60 डेज होगा, तो 60 डेज में 10 दिन तो ऐसे ही गए। तो ड्रॉवी ये कहेगा कि भाई मैं अभी से काउंट करूंगा 60 डेज, 1 तारीख से नहीं 10 तारीख से। तो उसे कहते हैं आफ्टर साइट, ओके। मतलब उसने जब बिल देखेगा, ड्रॉवी जब बिल देखेगा वहां से 50 दिन के साथ। तो ये दोनों पर ध्यान देना, आफ्टर डेट है या आफ्टर साइट है, ओके। फिलहाल तो अभी हमारे पास आफ्टर डेट है, तो हम काम क्या करते हैं, तो यहां पे हम पहले फाइंड करेंगे नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट मतलब ये कभी से बिल कब से है, आफ्टर डेट है, मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग से होगा, मतलब यहां से काउंटिंग करो, यहां से कितना दिन है 60 डेज। अब ये 60 डेज कैसे काउंट होते हैं, नॉमिनल ड्यू डेट फाइंड करने हमें, डेट है हमारे पास जनवरी का, जनवरी 2019, 30th जनवरी 2019। अब हमारे पास है डे 60। अब मुझे बताइए जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 राइट ना, 31 ना, जनवरी 13 ये पता है ना, 31 30 31 30 31 30 राइट। जनवरी कितने 31 होते हैं, तो यहाँ पे 31 कंप्लीट होने के लिए कितने दिनों की जरूरत पड़ेगी, एक, तो ये क्या हो जाएगा 31st जनवरी 2009। अब ये एक दिन लिया आपने, अवकाश से लिया, यहां से लिया होगा, अच्छा इसमें क्या होता है, हमेशा याद रखना एक ग्रेस पीरियड होता है, वो भी मैं अभी समझाता हूँ कि डेज आया है, मन तो जो मैं बात बोल रहा, लेकिन अभी समझाएगा। बिल कोई भी होने दो, कोई भी बिल मतलब पेमेंट के लिए कुछ भी हो, लाइट बिल भी हो तो भी, हर एक को ग्रेस पीरियड देता है, मतलब जो एक डेट फाइनल करते हैं उसके बाद भी थोड़ा सा और उनको समय मिल सकता है, उसे ग्रेस पीरियड कहते हैं। तो यहां पे जो ग्रेस पीरियड होता है वो होता है 3 डेज का, कितने दिन का, 3 डेज का ग्रेस पीरियड, कितने दिन का होता है 3 डेज, मतलब उन्होंने अगर 60 डेज बोला है तो उसमें 3 दिन मिला दो तो ये कितने हो जाएंगे 63। ऐसे नहीं कि आपको पहले ही मिलाना है, बाद में भी मिला हुआ तो भी चलता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कभी कभी डेज में, ओके, मंथ में याद रहता है, डेज में भूल जाते हैं, तो इसलिए इसमें प्लस कर दो तो हमारा कितना मिल जाएगा 63 वीक ग्रेस पीरियड आएगा, ओके। अब ये 63 डेज में से हमने एक दिन दे दिया, यहाँ पर जनवरी मंथ कंप्लीट करने के लिए मुझे एक दिन की जरूरत थी, तो हमने एक दिन दे दिया, ऐसे एक दिन कम हो गया, अभी अभी कितने बचे हैं 62 डेज, ओके। अब जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी। अब फरवरी कंप्लीट होने के लिए जो फरवरी का लास्ट डेट चाहिए, फरवरी 2019 लीप ईयर था क्या, फरवरी का लीप ईयर देखना पड़ेगा ना, तो लीप ईयर था क्या, नहीं था। लीप ईयर मतलब कौन सा, लास्ट के जो ईयर जो होते हैं, ईयर के लास्ट के जो 2 नंबर होते हैं उसको 4 से डिवाइड करना है, अगर डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, डिवाइड नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं है। लास्ट के 2 नंबर मतलब ये कौन सा, 19 को 4 से डिवाइड नहीं होता, 20 होता है, 4 5 20, 2020 क्या है, लीप ईयर होता है, जो 12 चल रहा है ना, उसमें फरवरी में कितने दिन थे, 29 थे, ओके। जनवरी कितने होंगे, 28,
मतलब यहाँ पे कितने दिन ऐड करने पड़ेंगे, ये तो जल्दी करना हो गया, तो 20 डेज यहाँ पे आएंगे, तो ये 20 डेज ऐड हो जाएंगे तो ये कितना आएगा 28 फरवरी, तो इसमें से 28 माइनस कर दो, इसको ऐड नहीं करना है, 31 जनवरी कंप्लीट हो गया, ओके अब कैलेंडर चेंज किया, तो फरवरी कंप्लीट होने के लिए कितने दिनों की जरूरत पड़ेगी 28, तो 28 डेज यहाँ पे प्लस तो कितना हो गया 28 फरवरी। अब फरवरी के बाद क्या आता है मार्च 2009, यहाँ पे अभी 62 थे, 28 डेज यहाँ पे ले लिए, तो अभी कितने बचे यहाँ पे 12 माइनस 8 4 5 माइनस 2 3, 34 डेज बचे। अब ये 34 में से फरवरी के बाद क्या आता है मार्च में कितने दिन होते 31, फरवरी कंप्लीट अभी मार्च ओपन कर रहा हूं, मार्च में कितने दिन होते 31, तो ये 31 डेज ऐड कर दो, ये 31 डेज ऐड हो गया, क्या हो जाएगा अपना 31 मार्च आ जाएगा, ये 31 डेज यहां से आ गए तो 3 दिन बचे। अब ये मार्च के बाद क्या आएगा अप्रैल, तो ये 3 दिन इसमें ऐड कर दो, ये 3 दिन यहां पे ऐड कर दो, तो आपका बन जाएगा 3 अप्रैल 2019। समझ आया क्लियर? तो हमारा जो लीगल ड्यू डेट है यहां पे हमने डायरेक्टली फाइंड किया लीगल ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट वो क्या होगा 3 अप्रैल 2019 फॉर दिस। तो क्या सर ये सब करके दिखाना है? नो, इट इज अ रफ वर्क, ये खाली रफ वर्क है, रफ में सर करो ये आंसर आपको चाहिए। समझ में आया? तो जाओ पक्का करो। सेकेंड, डेट ऑफ ड्रॉइंग इज 17 अगस्त 2019, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 21 अगस्त 2019, एंड पेबल 3 मंथ्स आफ्टर साइट। आफ्टर साइट बोला है मतलब देखने के बाद, कौन देखने के बाद? ड्रॉइंग, ड्रॉइंग देखेगा तो उस बिल पे क्या होगा एक्सेप्टेंस होगा, ड्रॉवर क्या करेगा बिल एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉवर क्या करेगा बिल ड्रॉ करेगा, जो ये ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर होता है, एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉवी होता है। ड्रॉवी ये कह रहा है कि बिल पेबल है बट कभी 3 मंथ्स आफ्टर साइट, मतलब बिल देखने के बाद 3 मंथ वाला बहुत ईजी रहता है, कोई टेंशन नहीं होता। इसमें हमें पहले फाइंड करना होता है नॉमिनल ड्यू डेट, मतलब नॉर्मल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट 3 मंथ्स फ्रॉम दिस डेट 21 अगस्त, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस साइट बोले ना, साइट के लिए क्या लेना है एक्सेप्टेंस देना है, और फ्रॉम डेट होगा आफ्टर डेट होगा तो क्या लेना है डेट ऑफ ड्रॉइंग लेना है। तो यहां से 3 मंथ 8 के बाद 9, 10, 11 मतलब नवंबर अगस्त है ना, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 21 नवंबर 2019 यहां पर क्या हो गया नॉमिनल ड्यू डेट, 21 नवंबर 2019 ये हमारा हो गया नॉमिनल ड्यू डेट। और हमारा ग्रेस पीरियड जो है ग्रेस पीरियड वो इसके अंदर क्या करना है ऐड करना है, ऐड ग्रेस पीरियड वो कितना होता है 3 डेज, तो इसमें 3 दिन ऐड करो तो आपको मिल जाएगा लीगल ड्यू डेट, या आपका आंसर होगा 21 में 3 कितना होगा 24 नवंबर 2019 हमारा लीगल ड्यू, ये बहुत आसान होता है। ओके समझ में आया कॉपी कर लो, और उसके बाद नेक्स्ट थर्ड डेट ऑफ ड्रॉइंग है 23rd December 2019, एक्सेप्टेंस हुआ है 26 दिसंबर 2019, और पेबल है 1 मंथ आफ्टर डेट बोला है, डेट मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग, ड्रॉइंग के बाद 1 मंथ, तो पहले हम फाइंड करते हैं नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट कितना होगा, तो ये 1 मंथ है, मतलब इस डेट ऑफ ड्रॉइंग से 23rd दिसंबर के बाद 1 मंथ, दिसंबर के बाद क्या आता है जनवरी, तो 23rd
जनवरी आ जाएगा लेकिन साल चेंज हो जाएगा ना, दिसंबर है तो 19 का क्या हो जाएगा 20, ओके। और उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड कितना होता है, 3 दिन का, 3 डेज। तो हमारा जो लीगल ड्यू डेट है वो हो गया 23+3, 26 जनवरी 2020। समझा, 26 जनवरी को याद आ रहा है, डेट को देख के क्या होता है 26 जनवरी, पता है ना? या इसमें क्या होता है, नेशनल हॉलीडे होता है, ओके। इंडिपेंडेंस डे होता है या रिपब्लिक डे होता है, रिपब्लिक डे होता है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे का हमारे पूरे भारत देश को छुट्टी होता है, तो इसीलिए वहां पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, पेमेंट नहीं होगा, ओके। तो ऐसे कौन से दिन है जब पेमेंट नहीं होते, नेशनल हॉलीडे जिसे कहते हैं, सीरियसली कोई लेना नहीं है, कंपनी चलती ही है, 26 जनवरी भी कंपनी चल रही थी, लेकिन नेशनल हॉलीडे है, गवर्नमेंट सब छुट्टी रहता है, बैंक छुट्टी रहता है, स्कूल कॉलेजेस छुट्टी रहता है, ओके। तो नेशनल हॉलीडे कौन से है, एक होता है 26 जनवरी, ओके। जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी कुछ नहीं, मार्च कुछ नहीं, अप्रैल मई, फर्स्ट मई, ओके। कामगार दिन फर्स्ट मई, महाराष्ट्र दिन के शब्दों से, फर्स्ट मई के बाद जून जुलाई अगस्त है ना, अगस्त में क्या है 15 अगस्त, ओके, इंडिपेंडेंस डे। और उसके बाद सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर को जाता है क्या, या 2nd ऑफ अक्टूबर गांधी जयंती, ओके। तो ये 4 हॉलीडेज होते हैं, अगर 3 दिनों में अपना लीगल ड्यू डेट आया और 3 दिन ऐड करने के बाद जो डेट है वो डेट अगर ये आता है तो उसका 1 दिन पहले लेना है, पेमेंट कभी होगा 1 दिन पहले, मतलब हमारा जो लीगल ड्यू डेट है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 जनवरी। समझा, एक्चुअली डेट कौन सा आ रहा है 26 जनवरी, ओके, पर 26 जनवरी इज नेशनल हॉलीडे एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम कितना लेंगे 25 जनवरी। समझा, एनी डाउट, आइए नंदन दिया ना, उसके बाद 4 जून आप कर सकते हो, 5th पर देखो, डेट ऑफ बर्थ 38 जून 2019, एक्सेप्टेंस 2/7/2019, पेबल 45 डेज आफ्टर डे, ओके। अभी हम यहाँ पे जमीन सवाल ज्यादा बढ़ेगा, तो पहले हम लेंगे यहाँ पे आफ्टर डेट बोला है ना, तो आफ्टर डेट बोला मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग लेंगे, मतलब 38 जून 2019, और हमारे पास डेज कितने हैं 45 डेज, उसमें प्लस कितना लाना है 3, तो कितने हो जाएंगे 48 डेज, 3 दिन इसके ग्रेस पीरियड के, ग्रेस पीरियड के डेज यही पे ऐड कर दो डेज होगा तो टोटल कितने हो जाएंगे 48 डेज। तो जून तो 38 जून, जून को कंप्लीट होने के लिए और कुछ दिनों की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, जून कितना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 30 होता है, मतलब जून कंप्लीट हुआ उसमें और कोई दिन ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो जून के बाद क्या आता है जुलाई, तो जुलाई कंप्लीट होने के लिए 31 जुलाई ना लास्ट डे 31, तो 31 जुलाई कंप्लीट होने के लिए कितने दिनों की जरूरत पड़ेगी 31, ये 31 डेज यहां से माइनस होंगे तो कितने बचे 17 डेज, ये नेक्स्ट में जाएंगे नेक्स्ट मंथ में, 17 डेज जो है वो इसके अंदर एड हो जाएगा, तो ये जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त, ओके, 17th अगस्त 2019, ये हमारा क्या हो जाएगा लीगल ड्यू डेट, क्या होगा 17th अगस्त 2019। समझा, पक्का 3 दिन ऐड करना है, क्योंकि 3 दिन अगर ऐड नहीं करेगा तो 15 अगस्त का,
ओके, तीन दिन ऐड करना है इसमें कितना आएगा 17 अगस्त। कोई डाउट यहां पर? पक्का? तो ये कर लो। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू ऐसे ही करना है, ओके, या कर सकते हो क्लियर। तो ये आपके बुक में है, पीडीएफ आपके पास होगा सबके पास, ओके। तो ये आप पूरा कर सकते हो, उसमें सेम दिया है, डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, टेन्योर दिया है और टाइप बोला है, आफ्टर डेट है, आफ्टर साइट है। तो नॉमिनल ड्यू डेट निकलना है और लीगल ड्यू डेट निकलना है, ओके। तो नॉमिनल ड्यू डेट, सपोज यहां पे मुझे नॉमिनल ड्यू डेट चाहिए होता तो कितना था यहां पर? यहां पर अगर मुझे ये लीगल, मुझे फाइनल आंसर निकाला है राइट ना, अगर मुझे यहां पर नॉमिनल ड्यू डेट चाहिए होता तो कितना होगा नॉमिनल ड्यू डेट? बोलो नहीं अगर देखो 17 अगस्त है, ये कब आया? तीन दिन ऐड करने के बाद आया, तो इसमें से तीन दिन माइनस कर दो, 17 माइनस 3 कितना होता है 14 अगस्त। समझा? तो हमारा नॉमिनल ड्यू डेट आएगा 14 अगस्त और लीगल ड्यू डेट कितना आएगा 17 अगस्त। नॉमिनल ड्यू डेट फाइंड करने के लिए तीन दिन को ऐड नहीं कर रहा, ओके, और तीन दिन ऐड करने के बाद क्या मिलेगा? लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट पता है तो तीन दिन पीछे जाओ, मतलब तीन दिन यहाँ पे आपने ऐड करके रखा है, ओके, पहले ही, तो तीन दिन पीछे जाओ तो आपको क्या मिलेगा? नॉमिनल ड्यू डेट। यहाँ पे तीन दिन ऐड नहीं किया है तो आपको पहले क्या मिलेगा? नॉमिनल ड्यू डेट, और फिर तीन दिन ऐड करने के बाद क्या मिलेगा? लीगल ड्यू डेट। समझ में आया? पक्का? अगर सपोज मैंने यहाँ पे तीन दिन ऐड नहीं किया होता, नहीं किया होता ये, तो ये 31 है, ये इसमें से माइनस होते, तो ये यहाँ पे 14 होते, तो यहाँ पे कितना होते 14। ये हमारा क्या होगा? नॉमिनल ड्यू डेट। उसमें प्लस तीन दिन जब दोगे तो क्या हो जाएगा? सो सिंपल, समझा इतना? ओके, ये क्वेश्चन नंबर टू आपको होम होगा, क्लियर? क्वेश्चन नंबर टू जे का सेकेंड वन आपके लिए होमवर्क है, ओके।